अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद जीए। आज हम बना रहे हैं पेटीज़, जिसके लिए मैंने मैदा ले लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा आटा भी मिक्स किया है। अगर आप आटा की बनाना चाहें तो आप आटा की भी सिर्फ इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें ये एक चम्मच चीज़ पाउडर और ये आधा चम्मच नमक डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल से ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है और इनमें बहुत अच्छा क्रंच आता है, तो आप ऑयल ज़रूर डालें। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। मैं ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पानी डाल के डो बना लेंगे। पानी आप इसमें गर्म ही यूज़ करें और हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा एक डो बना के तैयार करना है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो बना लूँगी। डो बन के तैयार है, ये एकदम सॉफ्ट डो है। अब मैं इस पर ये थोड़ा सा ऑयल और लगा दूँगी और इसको थोड़ी देर साइड में रख देंगे, जिससे ये अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, यानी कि थोड़ा सा साइड में डबल हो जाए। इसको ऑयल लगा के हम इसको हाथ से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगा के रखें। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक हम अपनी फिलिंग बनाने की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू मटर को बॉईल करके रख लिया है। ये इस टाइम पे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको मैश कर लूँगी। हमें इनको टोटली मैश कर लेना है, जिससे इसके बड़े चंक्स नहीं रहे। इधर मैंने कुछ सब्जियों को काट के रख लिया है। ये मैंने प्याज ले ली है 2 बड़े साइज़ की, 3 मैंने हरी मिर्च ले ली है और मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के 2 टमाटर हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। पहले अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। मैं इसमें ये 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल दूँगी। ये सूखा धनिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है, ये डाल देंगे। उसके बाद ये 1/2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा इनको चटकने देंगे। अब मैंने इधर ये 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इसको भी हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देंगे हम। इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च ऐड करूंगी। उसके बाद ये प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे 3-4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट हो गए हैं, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इस टाइम पर ये मैंने 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर और ये नमक भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। हम इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, जिससे ये अच्छे से भुन जाए। पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूँगी और इनको भी हम बिल्कुल मैश होने तक भून लेंगे। टमाटर को आप अच्छे से मैश कर लें भूनते टाइम, जिससे ये इनके पीस नहीं दिखें। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैं इसमें ये 1 चम्मच चाट मसाले ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है, इसलिए आप इसमें ये ज़रूर डालें। हमारा मसाला इस टाइम पर भुन के तैयार है, ये अच्छे से भुन गया है। अब मैंने जो आलू और मटर को मैश करके रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आलू मटर डाल दिए हैं और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मिक्स करने के बाद इसमें एक बार चेक कर लें इसमें नमक और मिर्च, अगर आपको कुछ कम लगता हो तो आप इसमें और भी ऐड कर लें। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले बन के तैयार है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने ये 1 नींबू का रस निकाल लिया, ये डाल दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको बनाना हम शुरू करेंगे। हमारा आटा सेट हो गया है, मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया है। अब पहले काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लें हमें, क्योंकि इसी पे इसको बनाना है। मैं पहले ऑयल ऑन लगा लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको हाथ से बढ़ाते जाएंगे। आटा एकदम सॉफ्ट है तो आसानी से बढ़ जाएगा ये।
हमने इसको बढ़ा लिया। आप देख सकते हैं मैं इसको इतना बढ़ाना है, इसमें से काउंटर दिखने लगा है बिल्कुल। आप इसको पतला कर लें, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छा इसमें क्रस्प आता है। और इसको हाथ से सब में फैला देंगे, उसके बाद हम अपने इस पर फ्लिंग रखेंगे। अब हम फ्लिंग को अच्छे से सब में फैला देंगे। अब हम इसको रोल करना शुरू कर देंगे। आप ऐसे ही इसको रोल कर लें अच्छे से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, जो ये लास्ट का कॉर्नर बचा है आप इसको ऊपर की तरफ करके इसको फोल्ड कर लें अच्छे से। इसको अच्छे से प्रेस कर दें। हम आपसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और इसका जो लास्ट का बचा है हम इसको ऐसे पूरा किताब लगा देंगे, जिससे ये खोले नहीं। माय पेटीज बनके तैयार है। अब हम इसको सेकने के लिए रख देंगे। तब हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए सेकने देंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए वैसे ही लो फ्लेम पर रख देंगे, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको पलट देंगे, और इसको भी लो फ्लेम पे हम सिकने देंगे ऐसे ही, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यमी सी पेटीज बनके तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी यमी, कितनी क्रिस्पी लग रही है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, बाकी की भी हम पेटीज ऐसी बना के तैयार करेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, इस टाइम अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी यमी सी पेटीज बनके तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी यमी लग रही है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर की लेयर, इसमें कितनी सारी लेयर्स हैं। आप इसको एक बार बना के ज़रूर खाएं, इस खाने में बहुत ही यमी लगती है, ट्रस्ट मी। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, बनाना भी बहुत ईजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।